पंच महाभूतों वाला ये मानव शरीर मिलकर हमारी यह स्थूल देह और आभासित जगत बना है। जन्म मरण, उत्पत्ति और अंत, सृष्टि और प्रलय का निरंतर चक्र चलता रहता है, परंतु ये स्वयं जड़ है, अर्थात इनमें क्रिया करने वाला दूसरा कारण है। त्रिगुणात्मक शक्ति सृष्टि के सृजन में नवयोनि चक्र का रूप धारण कर लेती है, अर्थात नौ रूपों में विभक्त हो जाती है। यही शक्ति तो ब्रह्मांड में नवग्रहों के रूप में संसार को संचालित करती रहती है। इसीलिए तो माता के गर्भ से शक्ति का पूर्ण संचालन नौ माह में ही होता है। इसी अवधारणा से नवदुर्गा और नवरात्र का प्रादुर्भाव एवं वैज्ञानिक आधार पर भी प्रमाणिक हुआ। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र ही है जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। सिद्धि का वास्तविक अर्थ होता है पूर्णता। वैसे अष्ट सिद्धियां नवनिधियां कही गई हैं। पृथ्वी में जन्म लेते ही हम 16 संस्कारों में बंध जाते हैं। पृथ्वी का तीसरा बीज श्री है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो श्रीयुक्त निकला, जो हर मंदिर के गर्भगृह में स्थित या स्थापित किया जाता रहा है। सारी सृष्टि का विकास और विलय क्रम श्री यंत्र में बताया गया है। आकाश सूक्ष्म से सूक्ष्म भूत का प्रदर्शक है, उसी को अंतरिक्ष कहा गया है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना ही उत्कृष्टता का प्रमाण है और वही विकास का धर्म है। 14 विद्या और 64 कलाओं को हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में परिभाषित किया गया है। सिद्धि का वास्तविक अर्थ होता है पूर्णता। वैसे अष्ट सिद्धियां नवनिधियां कही गई हैं। श्री राम जी के 12 कलाओं के और 16 कलाओं के ज्ञाता श्री कृष्ण एवं मनुष्य शरीर में सुप्तावस्था में 16 कलाएं होती हैं। इसीलिए 16 कला ज्ञाता को ईश्वर तुल्य माना गया है। चंद्रमा की 16 कलाएं विशुद्ध हैं। 16 तत्वों अनुभवों के बाद ही शिव शक्ति का मिलना बताया गया है। 16 श्लोकों में ओम का वर्णन का सार गर्भित किया गया है। एक सूर्य प्लस 6 शुक्र का संयुक्त रूप यानी सूर्य और शुक्र कर्म, धर्म और अध्यात्म का प्रतीक हैं। योग दर्शन के कैवल्य पाद ग्रंथ में 5 प्रकार की कुछ सिद्धियों का वर्णन है, जो पारलौकिक एवं आत्मिक शक्तियों के रूप में अवतरित होती हैं, तथा कुछ सिद्धियों को तप, योग, साधना से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिझा सिद्धया। जन्मजात सिद्धि जो जन्म के साथ ही योग्यता को प्राप्त किए हुए होती है, इसलिए इसको सहजा सिद्धि भी कहा गया है।
जैसे कपिल मुनि को पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से जन्म से ही सांसिधिक ज्ञान का उत्पन्न हो जाना, जैसे पक्षियों आदि का आकाश में उड़ना। औषधिजा सिद्धि, जो औषधियों के द्वारा कायाकल्प करके वृद्ध शरीर को युवा बना देने वाली शक्ति प्राप्त हो जाना, जैसे सोमरस पान तथा पारे आदि रसायन से शरीर में विलक्षणता पैदा कर देना, जिनके सेवन से परिणाम चित्त में सात्विकता आ जाती है। मंत्र जा सिद्धि, जिसमें स्वाध्याय से ईश्वर या इष्ट देवता का मिलना हो जाता है। मंत्र द्वारा चित्त में एकाग्रता लाकर परिणाम स्वरूप या सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्रों में एक खास क्रम, लय और आवर्तिता से उपयोग होता है। मंत्र का संबंध ध्वनि से प्रकाश, ताप, अणुशक्ति, विद्युत शक्ति की भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति है। तपोजा सिद्धि, कठोर तप के द्वारा अशुद्धियों को दूर करने पर या हो जाने पर शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है। तप के कारण चित्त में तप के प्रभाव से यह सिद्धि प्राप्त होने में सक्षमता पा जाता है। शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक स्तर पर तप किया जाता है रहा है। समाधिजा सिद्धि, ज्ञान की अंतिम क्रिया समाधि तभी संभव है जब वैराग्यपन अनुभूति हो। अनेक प्रकार की विभूतियां जन्म लेती हैं, यह समाधि से उत्पन्न हुआ चित्त ही कैवल्य के उपयोगी है। यही चित्त की सूक्ष्म अवस्था है और अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं, अर्थात अनंत में लीन हो जाता है।